नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टोरियल में। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। सेकंड चैप्टर है इसका फाइनेंशियल मार्केट्स बिजनेस मॉडल का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम है NCFM का, जो कि बहुत उपयोगी है अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना चाहता है। चैप्टर नंबर 1 था व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं, कैसे करना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं और डिपॉजिटरीज क्या हैं, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये सब हमने जाना था चैप्टर नंबर 1 पे। हमने जाना था लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है। जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपको फोकस करेगा सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिक्योरिटीज किस तरीके की होती हैं, ये सब जानकारी हमें मिलेगी चैप्टर नंबर 2 पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, व्हाट इज सिक्योरिटीज। तो हम जब भी बात करते हैं कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज वर्ड बहुत बार आता है। देखिए, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी होती है आपकी सेफ्टी। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं एक सिंपल लेमैन की भाषा में बोलू ना, तो एनी फाइनेंशियल एसेट दैट कैन बी ट्रेडेड, जिसकी खरीदी बिक्री हम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। लेकिन अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे आऊं, तो टेक्निकल डेफिनेशन कहता है कि जो सिक्योरिटीज है वो SCRA एक्ट के अंतर्गत आती है 1956। SCRA एक्ट हुआ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि किसे आप सिक्योरिटीज मानेंगे, क्या क्या सिक्योरिटीज के अंतर्गत आ सकता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्स, स्टॉक्स या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसी तरह की जो ट्रेड हो सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट्स, इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज, मतलब आप इंटरेस्ट रेट में भी ट्रेड कर सकते हो, सिक्योरिटी रिसिप्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एक एडिशन है, पहले कमोडिटीज डिफाइन होता था FCRA एक्ट के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। 2015 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इसे लाया गया है SCRA एक्ट के अंतर्गत। इसका मतलब जो कमोडिटी ट्रेडिंग है उसे भी सिक्योरिटीज माना जाता है आज की डेट। इसीलिए कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर भी आज की डेट में सेबी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट इन, ऐसा कौन सी सिक्योरिटीज है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पहला नाम जो आता है वो आता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में। सिक्योरिटीज को बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर्स होता है, नहीं, सिर्फ शेयर्स नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी नाम दिए हुए हैं, सिक्योरिटीज में बहुत सारे आते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर सकते हो उसे सिक्योरिटीज के अंतर्गत में रखा गया है। एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, पहला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर्स का। तो जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, वो सिक्योरिटीज का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल होगा आपका कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में, तो ये भी एक सिक्योरिटीज है आपकी। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल पे आऊं तो वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरीके का बॉन्ड है गवर्नमेंट के तरफ से, जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, आप खरीद भी सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं होते, उनके पीछे में एक एसेट होता है, उस एसेट की प्राइस घटती बढ़ती है, तो इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की प्राइस घटती और बढ़ती है, इनकी भी ट्रेडिंग जो आती है वो सिक्योरिटीज के अंडर में ही आती है।
और लास्ट एग्जांपल होगा आपका म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स। तो आप कभी भी जब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की खरीदी और बिक्री करते हैं तो वो भी सिक्योरिटीज के अंतर्गत में आते हैं। अब अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब सिक्योरिटीज मार्केट का क्या क्या फंक्शन होता है, किस क्यों है, किस तरीके से काम करता है, इनकी जरूरत क्यों है, ये क्या पर्पस सॉल्व करते हैं। तो जो पहला पर्पस है, ये चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक माध्यम बनते हैं रीएलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब हुआ कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आइडल पड़ा हुआ है, अगर आप उसे सिक्योरिटीज मार्केट पे लाते हैं तो वो पैसा सेविंग से कन्वर्ट होकर इन्वेस्टमेंट बन जाता है, और अगर आप उसे इक्विटी मार्केट में डालते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में डालते हैं, आईपीओ खरीदने में डालते हैं, तो वो पैसा किसी न किसी एंटरप्रेन्योर के पास में जा रहा है और कंपनी के पास में जा रहा है जहां से वो बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप उसके हिस्सेदार होने के नाते वहां से पैसा कमा पाएंगे, आप भी उस हिस्से प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेंगे। दूसरा फंक्शन होता है कि आप असिस्ट करते हो बिजनेस को लॉन्ग टर्म फंडिंग देने पे। नॉर्मली जो सिक्योरिटीज हैं वहां पे जो पैसा जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, तो जिस किसी को भी आप पैसा दे रहे हो उसको आप लॉन्ग टर्म फंडिंग कर रहे हो, ताकि उनकी जो कैपिटल नीड है, पूंजी की आवश्यकता है, आप उसको फुलफिल कर रहे हो। तो सिक्योरिटीज मार्केट माध्यम बनता है लॉन्ग टर्म फंडिंग के। प्राइवेट इन्वेस्टर को एक जगह देता है जहां पे वो सिक्योरिटीज, जो कि स्टॉक्स हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकती है, उसको खरीदने और बेचने की जगह देता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो सिक्योरिटीज मार्केट जो है एक ऐसी जगह बनता है जहां पे आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बॉन्ड्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपने एसेट्स बना रहा हूं, अगर मैं उस एसेट्स को बना रहा हूं तो या तो मैं उस एसेट्स की वैल्यू को बढ़ते रहने दूंगा और बहुत सालों बाद उससे फायदा उठाऊंगा बेचकर, या अगर वक्त बेवक्त मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे मैं इस अपने एसेट को लिक्विडेट यानी मैं बेच सकूं और उसे कैश में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये सारा फंक्शन होता है आपका सिक्योरिटीज मार्केट। अब हम समझते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर्स कौन कौन है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक रेगुलेटर हुआ, ये जो नियम बनाएंगे वो सिक्योरिटीज मार्केट पे लागू होगा। उसके बाद में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये जो कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, जो कंपनी के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि वो कंपनियां सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्टेड होंगी तो उसका इफेक्ट आपको सिक्योरिटीज मार्केट में दिखेगा। RBI बैंकिंग और बैंकिंग कंपनियों से रिलेटेड जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे उनके द्वारा वो सिक्योरिटीज मार्केट में मान्य। और ये कॉमन एग्जांपल है, सभी समझते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है डिटेल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सिक्योरिटीज मार्केट। अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि जो सेबी है, सेबी का रोल क्या है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सेबी का क्या क्या रोल है। तो पहला रोल है सेबी का रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। इसका मतलब है बिजनेस को रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आज आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं
तो आपको पता है कि उनके ऊपर में एक रेगुलेटर है जिसके पास में आप जाकर अपनी शिकायत कर सकते हो। अगर टैरिफ को लेके कोई इशू होता है तो रेगुलेटर को ये ध्यान पे रखना पड़ता है कि कंपनियों का हित तो एक जगह है लेकिन जो ग्राहकों का हित है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आज जब आप देखते हैं कि आप अपने नंबर पोर्टेबिलिटी है, नंबर आप पोर्ट करा सकते हो, अगर आपको आपका मोबाइल फोन का सर्विस प्रोवाइडर पसंद नहीं है तो आपको नंबर नहीं चेंज करने पड़ेंगे, आप वही नंबर को रखकर किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हो। तो ये संभव है क्योंकि एक रेगुलेटर बैठा हुआ है जिसका नाम है ट्राई। ट्राई देख रहा है कि ग्राहक को उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कंपनियां उनका फायदा ना उठा पाए, तो नियम कायदे कानून ऐसे बनाए जाए जिसमें ग्राहकों का फायदा हो, नुकसान कम से कम। ठीक उसी तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट में भी एक संस्था बैठी हुई है जो देखती है कि रिटेल निवेशकों का या निवेशकों का इन जनरल कहीं पर भी शोषण ना हो, कोई उनका फायदा ना उठाए। तो सारे मार्केट प्लेयर्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि बिजनेस भी चलता रहे और जो रिटेल निवेशक हैं या जो निवेशक इन जनरल हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती, इसे हम कहते हैं रेगुलेशन। सेकंड होगा प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब क्या हुआ, जो खुद को रेगुलेट करते हैं, अपने लिए खुद नियम बनाते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज खुद के लिए नियम खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। तो अगर NSE और BSE हैं तो सेबी को अगर कुछ गलत लगेगा, सेबी उसके लिए जो नियम बनाएगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मानना पड़ेगा। तो इनको रेगुलेट करने का भी काम सेबी करता है। थर्ड पॉइंट है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स जो कि इंटरमीडियरी होते हैं बिटवीन क्लाइंट और स्टॉक एक्सचेंज के, तो जो इनके लिए भी जो नियम है वो कौन बनाता है, वो बनाता है सेबी। उन्हें रजिस्टर करने का काम करता है, कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो या सब ब्रोकर हो उसे रजिस्टर करना होता है अपने आप को सेबी के पास। सेबी के पास इसे कहा जाता है सेबी रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर। आपने बहुत बार एड देखा होगा जहां पे सेबी का एक एड आता है, यहाँ पे सेबी कहती है कि सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ही काम कीजिए। मतलब आपका जो काम करने वाला व्यक्ति है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सेबी के पास में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी के पास में जानकारी होनी चाहिए, सेबी अप्रूवल देगा तब वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर एक्सचेंज ऐसा कुछ कर रहा है जो रिटेल निवेशकों के हित में नहीं है, सेबी बीच में आएगा। अगर आपका स्टॉक ब्रोकर ऐसा कुछ कर रहा है जो कि रिटेल निवेशकों के हित में नहीं है तो आपका सेबी बीच में आएगा। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे सेबी को बीच में आना पड़ा है। जैसे कि सेबी ने बहुत सालों तक म्यूचुअल फंड कंपनीज को कहते रही कि आपको स्कीम ऐसी बनानी चाहिए जो कि सिंपल हो ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां लगातार जो स्कीम्स लेकर आ रही थी उनके अजीबोगरीब नाम होते थे। आपको समझ में नहीं आएगा ये पैसा कहाँ जा रहा है। फंड आता था कि ये जो फंड है ये फार्मा फंड है, लेकिन 70% 80% फार्मा में लगा है, 20% रियल एस्टेट में लगा है। एक फंड होता था जिसका नाम होता था लार्ज कैप, आपके सोचते थे कि ये पैसा तो मेरा लार्ज कैप स्टॉक्स में जा रहा है, लेकिन 70% जाता था लार्ज कैप में, 30% जा रहा था मिड कैप। सेबी ने बहुत बार रोकने की कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि ये अपनी चीजों से बाहर नहीं आ रहे हैं, सेबी ने मैंडेटरी मतलब एकदम जरूरी कर दिया कि आप अगर लार्ज कैप ला रहे हो तो लार्ज कैप के मायने क्या है, क्योंकि कई लोगों का कहना होता था ये लार्ज कैप है ये लार्ज कैप नहीं है, लेकिन सेबी ने कहा कि आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना पड़ेगा क्या लार्ज कैप है क्या लार्ज कैप नहीं है। अगर आपका फंड लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा,
आपके फंड का नाम अक्रॉस एएमसीज एक कॉमन रखना होगा ताकि लोगों को समझ में आ सके। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आपको हजारों एग्जांपल मिलेंगे जहां सेबी बीच में आया है और सेबी ने ये इंश्योर किया है कि रिटेल निवेशकों के हित में फैसले हो, उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना चाहिए, वो पार्ट है कि पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई इश्यूअर होता है। इश्यूअर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को सिक्योरिटीज इशू करनी है, जैसे कि किसी को शेयर्स इशू करना है, तो कंपनी इशू कर रही है, कंपनी को लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म पैसे चाहिए, वो किसके पास जा रही है, इन्वेस्टर्स के पास जा रही है। अगर गवर्नमेंट है उसे बॉन्ड इशू करना है तो वो किसके पास जा रही है, इन्वेस्टर्स के पास जा रही है, इन्वेस्टर्स बॉन्ड में पैसे लगा रहे हैं। तो एक इश्यूअर हुआ और एक इन्वेस्टर हुआ, जिनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, ग्राहक की जो खरीद रहा है और बेचने वाले की जो बेच रहा है। लेकिन इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी दोनों के बीच में है, ग्राहक को जो कि इन्वेस्टर है उनको इश्यूअर से मिलाने का काम, और इश्यूअर को इन्वेस्टर से मिलाने का काम आपके इंटरमीडियरी का। एक क्वेश्चन उठता है, क्या मुझे इंटरमीडियरी की आवश्यकता है या मैं डायरेक्ट जा सकता हूं इश्यूअर के पास? तो याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आपको इंटरमीडियरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज आपको डायरेक्टली इंटरटेन नहीं करेगा। तो पहले क्या हुआ कि आप इन्वेस्टर हो, आपकी वर्ग में नहीं है, आप किनके थ्रू ऊपर जाओगे हायरार्की समझने के लिए, तो आप जाते हो ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर टेक्निकल वर्ड है, अगर आप समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझिए जो स्टॉक ब्रोकर होता है, जो ब्रोकर होता है। जैसे आप जब घर खरीदते हैं तो मकान मालिक, अगर मान लीजिए मैं किराए से घर लेना चाह रहा हूँ, जो मकान मालिक है उसके पास ले जाने का काम ब्रोकर करता है। लेकिन अगर मैं घर खरीदना चाहता हूँ तो एक व्यक्ति है जो घर बेच रहा है, एक व्यक्ति जो घर खरीद रहा है, दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है, ब्रोकर। जैसे ही स्टॉक ब्रोकर होता है वो भी यही काम करता है, बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने का काम करता है। तो जो स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर का टेक्निकल वर्ड है ट्रेडिंग मेंबर, राइट। अब वो किसका मेंबर है, वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। तो आप अगर एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हो तो वो या तो एनएससी में रजिस्टर्ड होगा, या तो बीएससी में रजिस्टर्ड होगा, या दोनों जगह रजिस्टर्ड होगा। इनके ऊपर में आता है सेबी। तो चेन ऐसी है कि इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जा रहा है स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलने के लिए, जो स्टॉक ब्रोकर है वो जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी बिक्री हो रही है, और स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच की कड़ी है स्टॉक ब्रोकर, और इन सबके ऊपर में है सेबी, जो कि ये देखता है कि सारे के सारे अपना जो काम है, जो निर्धारित तरीके दिए गए हैं उसी तरीके से। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। एक छोटा चैप्टर था जहां पे हमने समझा कि सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट का फंक्शन क्या होता है। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।